हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टेंट कुकीज़। मैं हूँ लक्ष्मी। आज आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। आज मैंने एक सिंपल सी दीवार को एक वॉल स्टिकर से सजाया है। मतलब ये दिवाली पर आने वाली थी वीडियो, बट किसी कारणवश मैं अपलोड नहीं कर पाई। ये मेरे को पार्सल दिवाली से पहले रिसीव हो गया था, तो ये मैंने एक वॉल स्टिकर मंगाया है। ये इसकी MRP 799 है। बस ये मुझे 94 रुपीज़ में मिला और मुझे डिलीवरी चार्जेस भी नहीं देने पड़े इसके। और आप यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है। मैंने अपने घर को डेकोरेशन करने के इरादे से ये मंगाया था कि ये कैसे काम करता है इसलिए। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है, इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी। इसको रोल करके, ये दो शीट्स हैं ए और बी, और इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी थी। इसको एक कार्डबोर्ड वाले पाइप टाइप में अंदर डाल के भेजा था, जिसके कारण ये बहुत ही अच्छे से आया है। बिल्कुल भी कहीं से भी मुड़ा हुआ नहीं है, बैंड नहीं है, बहुत ही सुंदर है। और इस तरीके से इसको बनाना है। एक छोटी सी पिक्चर है, इसको जब आप लगा, मतलब ये जिस दिन आप वॉल पे लगाओगे, तो पहले वो छोटा सा स्टिकर आप रख लीजिएगा, वो लगाकर फिर उसके अकॉर्डिंगली इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं छोटे छोटे, उसी हिसाब से आप इसे दीवार में स्टिक कर सकते हैं। दीवार में स्टिक करने से पहले फ्रेंड्स, आपको दीवार अच्छे से साफ़ कर लेनी है। उसमें से जो भी डस्ट होगा, जो भी मतलब जाला वाला हो या कुछ भी हो, अगर वो प्लेन ना हो और अगर उसमें कुछ होल वगैरह हो, तो आप पुट्टी से पहले उसको रिपेयर कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में आप ये स्टिकर लगा सकते हैं। तो ये लॉन्ग रन के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने रोल करके ही रखा है, इसको फोल्ड करके नहीं रखा। अगर फोल्ड करके रखूँगी तो मेरे जो अंदर के जो स्टिकर्स हैं छोटे छोटे, वो ख़राब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आपको दिखा देती हूँ। इसकी MRP 799 है। पैकेजिंग बहुत ही अच्छी थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वाली मेरी वॉल है, एकदम प्लेन है, एकदम ही प्लेन है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इस तरीके से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स एक एक ऐसे लिया है और लगाया है। मैंने एक छोटा सा, वो जो मैंने आपको बताया था पूरा स्टिकर है, किसी हिसाब से लगाना है, उसमें नंबर्स भी लिखे हुए हैं, तो मैं उसमें देख देख कर लगा रही हूँ। एक्चुअली इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और किस पोजीशन में लगाना है, तो वो अच्छे से देख कर ही आप लगाइएगा। और ये फ्रेंड्स, मुझे हार्डली 1 घंटा लगा इसको लगाने के लिए, मैं अकेले लगा रही हूँ। अगर आप किसी की हेल्प लेंगे तो हार्डली आपको 10 से 15 मिनट में लग जाएगा। और आप ज़रूर किसी की हेल्प लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ बड़े बड़े स्टिकर्स हैं, वो आपस में चिपक जाएंगे, तो पूरा का पूरा जो ये वॉल स्टिकर है, वो आपस में ख़राब हो जाएगा। कुछ कुछ ब्रांचेस तो बहुत छोटी हैं, और कुछ जो बड़े बड़े फ्लावर्स हैं ना, वो स्टिकर बहुत ही बड़ा है, तो वो आपस में चिपक भी जाता है। तो मेरा एक चिपक गया था, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप किसी की हेल्प ज़रूर ले लीजिएगा जिस दिन आप इसको चिपकाने वाले हों उस दिन। तो मैं फ्रेंड्स जो कह रही थी, आपस में चिपक गया था, वो ये वाला स्टिकर था। ये मेरा उस कवर के ऊपर ही चिपक गया था, जिसके कारण ये इतनी ज़ोर से, मतलब एकदम टाइटली उसे चिपक गया कि उसका पेपर भी निकाल दिया वाइट वाइट। तो इसको करेक्शन करने के लिए, अगर आपका ऐसे हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा फेविकॉल या फेविबॉन्ड या जो भी हमारे फेविक्विक या कुछ भी, आप इसे लगा के और दीवार में स्टिक कर सकते हैं। या फिर आपके पास ये कुछ भी ना हो, तो आप एक सेलो टेप पतला सा छोटा सा काट कर और उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको थोड़ा दूर लगाया है, क्योंकि मुझे बीच में ना एक हमारे पास श्री कृष्ण जी और राधा की फ़ोटो है, वो लगानी है बीच में, तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप चाहे तो टीवी के आसपास भी लगा सकते हैं, टीवी भी उतनी बड़ी होती है, LED स्क्रीन होती है ना, उसके पीछे भी आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ना काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, और एक के ऊपर एक स्टिक करके आपको लगाना है। इसमें थोड़ा सा मेरा गैप हो गया है, जिसमें मैं बाद में ब्राउन कलर कर दूंगी, तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से आएगा। इसमें ये क्या है ना कि फ्रेंड्स, एक बार चिपकने के बाद में अगर आप उसे निकालोगे, तो नीचे दीवार का जो पेंट भी इसमें लग कर आ सकता है, और क्या कहते हैं, इसका ग्लू भी ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, इसको डेकोरेशन करने के लिए जो भी मेरे बटरफ्लाइज हैं, वो छोटी छोटी मैंने सब जगह पे थोड़े थोड़े लगा दिए है, कि ये फ्लावर्स पे भी आ रही हैं, इधर उधर उड़ उड़ के भी जा रही हैं। ये बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स,
आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, ये मैंने डेकोरेशन पर्पज़ से मंगाया था इसलिए आपके साथ शेयर किया। और वैसे भी मुझे एक वॉल का डेकोर आपके साथ शेयर करना था इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एक छोटे से भी रूम का बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम चेंज कर देता है लुक आपके रूम का। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मैंने चिपका लिया था तो इसी अकॉर्डिंगली मैंने बनाया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट में बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और आपको किसी भी तरह की अन्य, मतलब और भी किसी भी तरीके की अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर उसके बारे में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अभी जल्दी मेरा एक वॉलपेपर का भी वीडियो आने वाला है, मैं एक पूरी वॉल को एक वॉलपेपर के डेकोर से उसको सजाने वाली हूँ, तो मैं आपके साथ वो वीडियो भी जल्दी ही शेयर करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप कलर्स वगैरह से करोगे तो कलर्स का भी आपको खर्चा कम से कम, अगर मैं मान लूँ आप एक्रीलिक कलर खरीद रहे हो तो 200 रुपये तक आता है, फिर उसमें ब्रश और आपकी मेहनत बहुत लगेगी। और वैसे भी ये 3D इफ़ेक्ट हम नहीं दे पाएंगे। तो ये वॉल स्टिकर 94 रुपीस का मेरे को मिला है और अभी इसकी MRP हो गई है करीबन 145 रुपीस और ये रोज़ रोज़ चेंज होती रहती है। आप ऑफ सीज़न में भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ये आपको ज़रूर मिलेगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भी कोई कमीशन नहीं है मेरा, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। और इसके और भी बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन है, आप उनको भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ओके बाय।